हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। डेट है 28 जनवरी 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको समझना है कि वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, तो ये सब आप जानते ही होंगे, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वी नो दैट अर्थमेटिक हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द नंबर, बट समटाइम्स वी फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग अर्थमेटिक। देन वी टेक द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी। हमें अर्थमेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो उसे सॉल्व तो कर लेते हैं, बट जब कभी कभार जो डिफ़िकल्टी आ जाती है हमें प्रॉब्लम्स में अर्थमेटिक क्वेश्चंस करने में, तो हम एक्स वाई जेड या ए बी सी का यूज़ करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा, और इसी ब्रांच को जो मैथ्स की इसी ब्रांच को हम अलजेब्रा कहते हैं। तो चलिए समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑब्जर्व एंड पैटर्न ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड राइट द नेम ऑफ नेम टू टर्म्स। और आपको नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। तो आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है? पहले में एक ट्राइंगल है, दूसरे में दो ट्राइंगल है, तीसरे में तीन ट्राइंगल है, चौथे में चार ट्राइंगल है, पाँचवें में पाँच ट्राइंगल है। तो छठे में कितने ट्राइंगल होंगे? छः ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ पर मैंने छः ट्राइंगल बना दिए। और नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? सात ट्राइंगल होंगे। तो ये हमारे हो गए सात ट्राइंगल। तो आपको ऐसे ही आगे कंटिन्यू करके बना देना है। वाओ, इट्स वेरी इजी। ये बहुत इजी है। हाँ, आफ्टर वॉचिंग दीज ट्राइंगल्स प्लीज़ टेल हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन 100 टर्म। अब आपको बताना है कि इन ट्राइंगल को आपने देखा, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है? 1, 2, 3। तो अब आपको बताना है कि जब अगर ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 100 टर्म होगी तो कितनी लाइन सेगमेंट होगी। तो यहाँ पर उसे बताने का, उसे निकालने का भी एक रूल बता रखा है। वी नीड थ्री लाइन सेगमेंट फॉर वन ट्राइंगल। हमें थ्री लाइन सेगमेंट चाहिए होती है वन ट्राइंगल के लिए। वी नीड सिक्स लाइन सेगमेंट फॉर टू, और ऐसे अगर हम से सिक्स लाइन सेगमेंट चाहिए हमें टू के लिए। अगर हम दो ट्राइंगल लेंगे और उसकी तीन लाइन सेगमेंट होती है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सिक्स, यानी सिक्स लाइन सेगमेंट। वी नीड नाइन लाइन सेगमेंट फॉर थ्री ट्राइंगल्स, और हमें थ्री ट्राइंगल्स, थ्री हमारे लाइन सेगमेंट होती है एक ट्राइंगल में, थ्री ट्राइंगल्स चाहिए तो हमारा नाइन आंसर आ जाएगा। वी कैन फाइंड सम रूल फॉर दिस। अब हमें इसे फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स निकालने पड़ेंगे, उस रूल्स को देखते हैं। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड। अब हमें जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने होते हैं ट्राइंगल में? तीन होते हैं। और थ्री एक्स नंबर ऑफ ट्राइंगल वी ऑब्जर्व। अब हम कितने भी ले सकते हैं। अब अगर हमें चार ट्राइंगल का निकालना है तो हम चार ले सकते हैं, तीन का निकालना है तो हम तीन ले सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड इंटू थ्री इंटू टी। अब हमारे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वो थ्री है, और ट्राइंगल हमने टी ले लिया या थ्री ले लिया, तो जो हमारी टोटल नाइन सेगमेंट हो जाएगी थ्री स्क्वायर में, थ्री ट्राइंगल में, तो वो नाइन हो जाएगी। वी राइट लेटर टी इन द प्लेस ऑफ ट्राइंगल। हमने टी इसलिए लिखा है ट्राइंगल के प्लेस में, ट्राइंगल भी टी से स्टार्ट होता है इसलिए। अब नोट करिए, वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ टी। हम टी की जगह बी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। नाउ राइट टी इन द प्लेस ऑफ ट्राइंगल, वी विल गेट रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। अब हम टी की जगह कोई नंबर लिख लें, थ्री इंटू थ्री, तो हमें रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट नंबर मिल जाएगा। टी इज़ अ वेरिएबल इन टी थ्री डी। वेरिएबल इज चेंजिंग एंड इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़। अब जो इसमें टी है ना वो वेरिएबल है, थ्री टी जो नंबर है उसमें टी वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यू कितनी डिफरेंट होती है। इसकी वैल्यू हम वन भी रख सकते हैं, थ्री भी रख सकते हैं, हंड्रेड भी रख सकते हैं, कितनी भी चेंज होती रहती है। अब आपके आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आपको एक रिक्शा वाला दिख रहा है, यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं। राशिद इज़ गोइंग टू करोलबाग। राशिद करोलबाग जा रहा है। ही कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम आनंद पर्वत टू करोलबाग। अब उसे एक डिस्टेंस कवर करना है आनंद पर्वत से करोलबाग तक का। ही वॉचेस डिफरेंट थिंग्स एंड सिचुएशन ड्यूरिंग दिस जर्नी। अब उसने इस सिचुएशन में बहुत सारी जर्नी देखी, बहुत सारी सिचुएशन देखी इस जर्नी में। उसने देखा नंबर ऑफ पैसेंजर्स, डिस्टेंस जर्नी, जो जर्नी जहाँ तक वो जा रहा है उसकी डिस्टेंस देखी, पैसेंजर कितने बैठे उसने उतने देखा,
फेयर ऑफ जर्नी देखा उसने, मतलब कितना पैसा कमाया उसने, स्पीड ऑफ रिक्शा देखा उसने, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ रिक्शा, अब रिक्शा के व्हील्स कितने हैं, 3 है यहाँ से इसमें, तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स ऑफ रिक्शा, तो नंबर ऑफ ड्राइवर्स देखा, और नंबर ऑफ सीट्स ऑफ रिक्शा की कितनी सीट्स है, तो ये सब उसने देखते चलते चला, उसने ये सब देखा, ये कोई भी रिक्शा वाला देखेगा, ये आपको भी पता है। अब आप देखिए ये जो आपको ऊपर सिचुएशन दी गई है रिक्शा वाले की, वी हैव ऑब्टेन डिफरेंट क्वान्टिटीज, दे सम आर चेंजिंग एंड सम आर नॉट चेंजिंग, इसमें कुछ तो चेंज हो सकती हैं बट कुछ चेंज नहीं हो सकती। अब आपको बताना है, लेट्स नाउ हाउ क्वान्टिटीज आर चेंजिंग डिफरेंट सिचुएशन, गिव आंसर येस और नो। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी सिचुएशन में जो क्वान्टिटीज़ है वो चेंज हो रही हैं, तो आपको आंसर येस और नो में देना है। तो इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर चेंजिंग, तो नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज हो रहे हैं, येस होते हैं। इफ इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंजिंग, नहीं, अगर डिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है अगर हम आ जा रहे हैं, नहीं। इज़ द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंजिंग, तो हाँ चेंज होती है, कभी ज़्यादा तेज़ चलती है कभी धीरे चलती है। इज़ द नंबर ऑफ व्हील्स चेंजिंग, नहीं व्हील्स क्यों चेंज होंगे। इज़ द नंबर ऑफ ड्राइवर चेंजिंग, नहीं ड्राइवर भी चेंज नहीं होगा। इज़ द नंबर ऑफ सीट्स चेंजिंग, सीट्स भी चेंज नहीं होंगी, तो इसमें भी नो आ जाएगा। तो आप इसे फिल कर लेंगे, मैंने आपके लिए लिख दिया है, फर्स्ट का यस, सेकेंड का नो, और फिर थर्ड का यस, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स का नो नो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक नोट दे रखा है, वेरिएबल्स आर दोस विच हैव डिफरेंट वैल्यू। अब वेरिएबल का मतलब ही क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो, और कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो जिनकी फिक्स वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं 1, 2, 3 या 100 या 10 या 9, ये जो नंबर्स हैं इनकी एक वैल्यू फिक्स है कि 9 तो 9 ही है, बदल नहीं सकता, ये 10 तो हो नहीं सकता। बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स ले लें या टी ले लें, तो एक्स को हम 10 वैल्यू भी रख सकते हैं, या टी को हम 5 भी रख सकते हैं, एक्स को 9 भी रख सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम रखते हैं वैल्यू। तो वेरिएबल्स जिनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, कॉन्स्टेंट की फिक्स वैल्यू होती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा, अभी लाइक कर दीजिए, देखते देखते वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है, पुट सर्कल ओ अराउंड द वेरिएबल्स। अब आपको ये बॉक्स दे रखे हैं, इनमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें आपको वेरिएबल्स में सर्कल करना है और कॉन्स्टेंट में एक बॉक्स बनाना है, टर्म्स फ्रॉम द गिवन वैल्यू। अब ये आपको जो यहाँ पे जो आपको टर्म्स दे रखे हैं उनमें, तो आपको पता है वेरिएबल कौन से होते हैं, जिनकी डिफरेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप साफ सीधे से कर देंगे, जो जेड हमारा वेरिएबल है, एक्स हमारा वेरिएबल है, वाई हमारा वेरिएबल है, टी हमारा वेरिएबल है, एम हमारा वेरिएबल है, और कॉन्स्टेंट हमारा 5 है, 18 हमारा कांस्टेंट है, इनकी फिक्स वैल्यू है क्योंकि, और 7 हमारा कांस्टेंट है, और 28 हमारा कांस्टेंट है। तो इसका आंसर भी आप करेंगे अच्छे से, मैंने आपके लिए एक तैयार करा है। तो मैंने जो आपके कांस्टेंट थे उनके लिए बॉक्स बनाया है यानी गिफ्ट बॉक्स, और जो वेरिएबल है उनके लिए मैंने एक स्माइली फेस बनाई है, यानी ये सर्कल हो गया और ये बॉक्स हो गया। तो आपको ये करना है, अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, आपकी कॉपी डेकोरेट सी लगेगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है वर्कशीट्स का, तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमेशा आपने आपको टेलीग्राम पे अनम्यूट कर लीजिए, तो सारे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी है, 3t इज़ इक्वल टू 15, तो ये वही है सेम, मैंने आपको दोबारा लिख के बता दे रही हूँ, 3t इज़ इक्वल टू 15, इसमें आपको मुझे टी की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बस टी की वैल्यू बता देंगे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो सभी दोस्तों का शेयर करें कि वो भी आंसर दे सके, मैं देखूंगी जिसका आंसर सही होगा वो स्टडी करता है नहीं करता। तो बाय बाय गाइज़।